हेलो स्टूडेंट्स, आप सहस्त्र अकादमी से जुड़ चुके हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं, वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पर चर्चा करते हैं तो आगे हम लोग आते हैं बौद्ध धर्म कहाँ से पैदा हुआ, इनके प्रवर्तक कौन थे, ये सारे बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी करेंगे। आप लोगों को जैसे पता है कि बौद्ध का अर्थ क्या होता है। बौद्ध का अर्थ होता है प्रकाशवान या जागृत होता है। बौद्ध का प्रकाशवान या जागृत कहा जाता है। और बौद्ध धर्म का संस्थापक हम किसको मानते हैं, गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में बात किया जाए तो चार दृश्यों ने गौतम बुद्ध के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह है बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक अर्थी और सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति, इनके दिमाग में जो प्रभावित किया, ये बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक अर्थी को जाते हुए देखना और एक सन्यासी को देखना। थोड़ा सा एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। हुआ ये कि एक बार एक ब्राह्मण, जब इनका पैदाइशी हुई, जब इनका जन्म हुआ, तो एक ब्राह्मण ने कहा, कालदेव नामक ब्राह्मण कहीं मिलता है कि यह तो एक सन्यासी होगा या तो चक्रवर्ती राजा होगा। इनके पिता चिंतित हो गए और इनके पिता ने इनके सन्यासी ना हो जाए करके बहुत ज्यादा सुख सुविधा इनको लगा दिया। 14 साल में इनकी शादी करा दी, यशोधरा से शादी करा दी, विवाह करा दिया और इनको ये दिया कि साकी सारी सुख सुविधा इनको संपन्न हो जाए, ये किया जाए। एक दिन का मन बेचैन हुआ और मन बेचैन हुआ तो ये अपने सारथी छंदक को बुलाते हैं और छंदक को बुलाते चलो नगर भ्रमण करने चलते हैं। जब नगर भ्रमण करने जाते हैं तो सबसे पहले दृश्य इनको देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं और बोलते हैं, कौन है ये आदमी कौन है, ये कैसा प्राणी है। तो उन्होंने कहा, ये व्यक्ति बूढ़ा है। तो उसने कहा कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। तो छंदक ने कहा, हाँ राजकुमार, आप भी एक दिन बूढ़ा हो जाओगे। उस दिन बहुत निराश हुआ। फिर ऐसे ही उनका दृश्य आता है, जब बीमार व्यक्ति को देखता है तो फिर नगर भ्रमण करने निकलते, फिर बीमार व्यक्ति को देखता है तो क्या उन्होंने पूछा कि एक दिन मैं भी बीमार हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, छंदक ने कहा, हाँ राजकुमार, आप भी बीमार हो जाओगे। फिर उस दिन वो भी निराश हो जाता है। एक दिन और फिर नगर भ्रमण के लिए जाता है तो उनको एक अर्थी जाते हुए दिखता है जिसमें लोग विलाप करते रहते हैं और अर्थी जाती रहती है। वो बोलते हैं, लोग विलाप क्यों कर रहे हैं और इस आदमी किस तरह क्यों ले जाया जा रहा है। उनके छंदक कहता है, राजकुमार ये आदमी खत्म हो चुका है, ये मर चुका है और इसको अंतिम विदा कर रहे हैं, जलाने के लिए ले जा रहे हैं या दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। उस दिन गौतम बुद्ध बहुत दुखी होते हैं। एक दिन और नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तब उनका मुलाकात एक सन्यासी से होता है। एक सन्यासी से उनका मुलाकात होता है। सन्यासी झूमता गाता और इस पर कर प्रवचन करता हुआ झूमता हो गाता है। वो बोलता है, इतना खुश क्यों नजर आ रहा है आदमी, ये झूम और गा क्यों रहा है। तो छंदक कहता है, राजकुमार यह तो सन्यासी है, यह सन्यासी जिसने पूरे संसार को त्याग दिया। उस दिन गौतम बुद्ध बहुत खुश होते हैं और एक दिन अपनी पत्नी और राहुल अपने बच्चे को छोड़कर वो क्या बोलने, ज्ञान प्राप्ति के लिए वन की ओर निकल पड़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम देखते हैं गौतम बुद्ध का जीवन परिचय को देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का अगर जीवन परिचय को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो मूल नाम इनका सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम नेपाल में हुआ था। प्रायः लुम्बिनी, ये आपको याद रखना, 563 ईसा पूर्व ये नेपाल कपिल वस्तु जो लुम्बिनी कहा जाता है, ग्राम नेपाल में हुआ था। ये शाक्य वंश के थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, शाक गण के प्रधान थे। माता का नाम महामाया या कौशल राजकुमार राजवंश की कन्या थी। लेकिन इनका पालन पोषण इनकी मौसी और सौतेली माँ प्रजापति ने किया, क्योंकि जब इनके पैदा हुए तो इनके गर्भावस्था पैदा होने के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति, जो इनकी सौतेली माँ थी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया, इसलिए इनका नाम गौतम बुद्ध भी पड़ा। पत्नी की बात किया जाए तो यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और अन्य नाम इनका मिलता है। यशोधरा का मतलब गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा, ये अन्य नाम मिलता है। सुभद्र कथा, कौलीय गण, ये आदि भी हमको नाम मिलते हैं इसके। इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में इसे महाभिनिष्करणम कहा जाता, बौद्ध धर्म में कहा जाता महाभिनिष्करणम, इन्हें बहुत बड़ी घटना कहा जाता है इस चीज को। क्वेश्चन बनता है कि ग्रह त्याग, जब गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष में ग्रह त्याग किया था, क्वेश्चन बनता है ग्रह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में, तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। निर्वाण की प्राप्ति कहाँ, इनको निर्वाण की प्राप्ति जो बौद्ध लोग इसको संबोधि के नाम से पुकारते हैं। संबोधि कहाँ से प्राप्त हुई, तो पीपल ब्रिज, बोधि ब्रिज के नाम से जाना जाता। निरंजना नदी के तट पर इनको क्या हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई। प्रथम गुरु इनके आलार कलम सांख्य दर्शन के अनुयायी थे इनके, और प्रथम उद्देश्य उन्होंने सारनाथ 5 ब्राह्मणों को इन्होंने दिया था। इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात धर्म रूपी चक्र का घूमना कहा जाता है। सर्वाधिक उद्देश्य उन्होंने श्रावस्ती में दिया था और प्रथम शिष्य आनंद, उनका प्रथम शिष्य कौन था, उनका प्रथम शिष्य आनंद था। आनंद को ही जाता है कि इस संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिलाने का,
बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिलाने का श्रेय जाता है आनंद को जाता है। अंतिम उद्देश्य शुभेच्छु के दिया था और महापरिणाम परिनिर्माण इन मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्माण जो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनका हो गया था। इन्होंने इनके शिष्य ने इनको भोजन पर बुलाया था। भोजन खाने के बाद इनको अतिसार रोग हो गया, डिहाइड्रेशन टाइप हो गया, जिससे इनकी मौत हो गई। अन्य नाम बुद्ध का, बुद्ध तथागत शाक्य मुनि और कनक मुनि के नाम से भी जाना जाता है। और समकालीन अगर शासन की बात किया जाए तो उद्यन चंड प्रघोत प्रसन्नजीत और बिंबिसार ये इनके समकालीन थे, समकालीन प्रशासन के उसमें थे। बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको आपको देखना होगा। इनका जन्म की बात किया जाता है, जन्म को हम जोड़ते इनके माता के गर्भ में आना को हाथी से जोड़ा जाता है और बुद्ध के जन्म को कमल से जोड़ा जाता है। बुद्ध के यौवन को स्वर्ण से निरूपित किया जाता है। बुद्ध के ग्रह त्याग को घोड़ा, जिनका घोड़ा का नाम एक और चीज है, उनके घोड़ा का नाम कंटक था, जिसको आपको दिमाग में रखना है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को बोधि ब्रिज, पीपल ब्रिज के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और उसी को बोधि ब्रिज कहा जाता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है, धर्म रूपी चक्र का घूमना और धर्म चक्र के रूप में नाम जाना जाता है। निर्वाण अर्थात मृत्यु को पद चिन्ह से पुकारा जाता है और समृद्धि को शेर से पुकारा जाता है और बुद्ध की मृत्यु को स्तूप, यहाँ पर क्या होता है कि जो बुद्ध साधु जो खत्म हो जाते हैं, स्तूप क्या है, स्तूप एक प्रकार का पत्थरों का ऐसे बना हुआ गोल था जहाँ पर इनकी अस्थियों को रख दिया जाता है। तो बुद्ध की मृत्यु को स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, स्तूप उसका प्रतीक के रूप में कहा जाता है। बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है त्रिरत्न। त्रिरत्न की बात किया जाता है तो बौद्धों का त्रिरत्न क्या है, बौद्धों का त्रिरत्न है बुद्ध संघ और धर्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में चलो, संघ के शरण में चलो, धर्म के शरण में चलो। तो इनके त्रिरत्न हमको मिलते हैं जो ये आएगा बुद्धम संघम और धर्म आ जाएगा। आर्य सत्य की बात की है तो इनको चार आर्य सत्य बोला जाता है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध कामी प्रतिपदा। अर्थात कहता है गौतम बुद्ध कहता है चारों और दुखी दुख है। अगर अंधकार है तो प्रकाश चाहिए और प्रकाश है तो अंधकार चाहिए, छाया है तो धूप चाहिए, धूप है तो छाया चाहिए, दोनों कष्टमय है। धूप है तो धूप लगता है तो छाया चाहिए, छाया में है तो हमको धूप चाहिए, इस प्रकार दोनों ही कष्टमय है। और अंतिम तो मृत्यु है, मृत्यु तो महाकष्टमय है, इसलिए उन्होंने कहते हैं मृत्यु से प्रेम करो, ये गौतम बुद्ध का वाक्य है। इनको चार आर्य सत्य 10 सील उन्होंने बताया, सत्य अहिंसा असत्य, असत्य माने चोरी न करना, अपरिग्रह माने संपत्ति अर्जित न करना, स्त्रियों का संसर्ग का परित्याग, सुगंधित भोजन का परित्याग और नित्य एवं नशा का परित्याग करना इन्होंने बताया है। दुखों से निवृत्ति के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि माने यथार्थ दृष्टि, माने या जो भी सत्य है उसको यथार्थ रूप से ग्रहण करो। सम्यक संकल्प, आपको जो इंद्रियों को त्यागने का, भौतिक वस्तुओं को त्यागने का दिन प्रतिदिन संकल्प कीजिए। सम्यक वाक माने सत्य को सत्य वचन बोलना, सम्यक कर्म सत्य कर्म करना, सम्यक आजीविका माने सादा जीवन जीवना, यहाँ पर आजीविका प्राप्त करना, सम्यक व्यायाम माने इनको हटाने के लिए और इस पर साइड जाने के लिए, इस पर साइड माने अध्यात्म साइड जाने के लिए आपको प्रयास करना, उसको सम्यक व्यायाम कहा गया। सम्यक स्मृति अर्थात चीजों को स्मृति में धारण करना और सम्यक समाधि थोड़ा सा ध्यान करना ये इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया है। इन्हीं अष्टांगिक मार्गों से ये जो दुख है इसको हम हटाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता भी है और पूछा भी जाता है। बौद्ध के साहित्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तो तीन सैन को इनके साहित्य को पिटक कहा जाता है, बिना पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तीन पिटक है, बिना पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बिना पिटक बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन किया गया। सुप्त पिटक की बात की बुद्ध के उपदेशों का, संवादों का संकलन है। और अभिधम्म पिटक की बात की बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। अगर आपको याद करना क्वेश्चन पूछता भाई सुप्त पिटक में क्या है, बिना पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है, तो यार बिना पिटक की बात की विनय पूर्वक निवेदन करना माने नियम कानून आएगा, ऐसे दिमाग बैठाओ आचार विचार नियम आ जाएगा। सुप्त पिटक माने सुप्त माने सुनना से कर लीजिए, सुनना है तो बुद्ध के उपदेशों का, संवादों का संकलन होगा यहां पर। अभिधम्म पिटक होगा तो धर्म से संबंधित होना, बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम्म पिटक में किया गया, आसानी से आपको याद हो जाएगा। बौद्ध दर्शन की बात किया तो अनिश्वरवादी ये ईश्वर को नहीं मानते, ना ईश्वर को मानते हैं ना आत्मा को मानते हैं, यहां पर किसी प्रकार के ईश्वर नहीं है। कौन कहता है, गौतम बुद्ध कहते हैं ईश्वर सत्ता पर विश्वास नहीं है। शून्यवाद, किसी का भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है। सिंपल सा, जब छोटा सा बच्चा था क्या वो बच्चा है, बच्चा के बाद जवान हुआ, जवान के बाद वो वृद्ध हुआ, वृद्ध के बाद वो खत्म हो जाएगा, उसका पर्सनल कोई अस्तित्व किसी व्यक्ति के यहाँ पर संसार में नहीं है। इसी को बोलते हैं संसार के समस्त वस्तुएं पदार्थ सत्ताहीन है। अनात्मवाद, किसी में आत्मा भी नहीं है, ये आत्मा को भी नहीं मानते। अनात्मवाद तो सर्वाधिक बल दिया गया और क्षणिक बात, ये संसार क्षण भंगुर है। आज जिस पर
परमेश्वर का पानी के बुलबुले होते हैं, वो उठता है और फूट जाता है। ठीक उसी प्रकार संसार है, आज है कल नहीं, आज आप हैं कल आप मर जाओगे, कल का कोई वो चिंता ही नहीं है। सिंपल सा बात किया जा, इसी कहता है क्षणिक भार क्षण भंगुर जो है वो नष्ट होने वाला है, ये कहता है गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय की बात किया जाए, बाद में बौद्ध धर्म जो है तीन संप्रदाय में बढ़ गया है, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान की बात किया जाए पुरातन पंथी है, ये रूढ़िवादी है, हीन बयान हीनयान रूढ़िवादी है, विशेष करके पाली भाषा के इनके साहित्य लिखे गए हैं, श्रीलंका साइड ये धर्म के मानने वाले ज्यादा है। जहां तक महायान बात किया जाए तो महायान के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है और ये प्रगतिवादी है। बौद्धों का मूर्ति पूजक जब होने लगा, मूर्ति पूजा की जाए तो महायान आया, ये प्रगतिवादी था, विशेष करके साहित्य इसके संस्कृत साहित्य लिखे गए हैं। वज्रयान की बात किया जाए तो वज्रयान जिसमें जब से तंत्र मंत्र जुड़ गया, जब तंत्र मंत्र जुड़ गया इसमें, तो ये वज्रयान आया तिब्बत साइड, ये ज्यादा इसको प्रचलन है इसके वज्रयान का। और वज्रयान में क्या है, गौतम बुद्ध की जो पत्नी है उनको तारक रूप में भी पूजा जाता है। बौद्ध धर्म का अगर प्रचार की बात किया जाए तो संघ की बात किया जाए तो अल्प व्यास 15 वर्ष से कम आयु के लोग हो, सैनिक हो, दास हो, चोर हो, हत्यारे हो, रोगी हो, ऋणी व्यक्ति हो, इसके सदस्य नहीं बन सकते। प्रवज्ञा की बात किया, किसी भी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने के समारोह होता था उसको प्रवज्ञा कहा जाता था। उप संपदा भी ठीक उसी प्रकार, नव प्रवेशी को भिक्षुक बनाने के संकल्प है, मतलब भिक्षा ग्रहण करने जाएगा या भिक्षा लेने गया था उसको बोलते हैं उप संपदा। प्रवरण कहा जाता है भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों का स्वीकार, जिस प्रकार क्रिश्चियन धर्म में अपराध की स्वीकृति होती है, ठीक ऐसा माना जाता है क्रिश्चियन धर्म भी बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म पहले आया, बौद्ध धर्म से यह स्वीकृति जो क्रिश्चियन धर्म में है यह बौद्ध धर्म में पवरण के रूप में जाना जाता है कि अपने अपराधों को हम क्या करें स्वीकार कर ले। वत्स की बात करें तो वर्षा के दिनों में 3 महीनों में भिक्षुओं को एक ही सीमित स्थान पर रहना, एक ही स्थान पर रहना क्या कहलाता था, वत्स कहलाता था। आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का सम्मेलन, सम्मेलन यहां तक 4 सम्मेलन बौद्ध धर्म का हुआ है, जो अगर देखा जाता 483 और प्रथम सदी में 4 यहां पर सम्मेलन हुए थे। प्रथम जब सम्मेलन हुआ 483 तो राजग्राम हुआ था, अजात शत्रु उसमें शासक थे, अध्यक्ष थे महाकश्यप, उस समय सुप्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। जब द्वितीय हुआ 383 जस्ट 100 साल बाद, आप देखें 483 का 100 साल बाद 383 में वैशाली में हुआ, काला शोक के समय हुआ था, उसमें शासन सभा कामी उसके अध्यक्ष थे स्थावीर और महासांघिक में ये बौद्ध धर्म बढ़ गया था। तृतीय बात की 250 ईसा पूर्व के आसपास 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक के शासन काल में हुआ था, मोगली पुत्र तिस्त इसके अध्यक्ष थे, उस समय 2 अभिधम्म पिटक का संकलन यहां पर हुआ था। और लास्ट वगैरह प्रथम शताब्दी की बात किया जाए तब कश्मीर में हुआ था, कुंडलमन में हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था, वसुमित्र उसके अध्यक्ष और अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे और विभाषा शास्त्र टीका का संकलन किया गया। अगर आपको याद करना तो सिंपल सा ट्रिक मारिए यार, अगर एक याद होता है 483 तो 100 साल माइनस कर दीजिए 383 आ जाएगा, 250 याद कर लीजिए तो एक जोड़ देंगे तो 251 हो जाएगा, प्रथम सदी यहां पर 4 भागों में सन याद हो जाएगा। मैंने 483 100 माइनस कीजिए 383, 250 याद कीजिए एक जोड़िए 251 हो गया और प्रथम शताब्दी याद कर लीजिए। अगर इनको बोलना कहां हुआ तो सबसे पहले राजग्राम हुआ था अजात शत्रु महाकश्यप के शासनकाल में, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। भाई आजाद कौन रहेगा, जो शत्रुओं से वंचित हो वही तो आजाद होगा, नो डाउट। अगर राजग्रह बात करें और आजाद कौन होगा, जो राजा होगा, और आजाद कौन होगा जिसका कसा कसा बाटी होगा, माने महाकश्यप। ऐसे करके याद कीजिए, मजाक में याद कीजिए, फट से याद हो जाएगा यार। राजग्रह हो जाए अजात शत्रु महाकश्यप, सुप्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। जब सेकंड आता है तो आता 383 से वैशाली में काला शोक के उसमें हुआ था, सभा कमीर इसके अध्यक्ष थे स्थावीर और महासंघिक बट्टा। एक चीज है, अगर तीसरा बात किया जाए 251 अशोक में याद करेंगे पुत्र जरूर जुड़ रहा है। देखिए एक पुत्र आएगा पाटलिपुत्र और दूसरा पुत्र आएगा मोगली पुत्र तिस्त। यहां पर उन्होंने भी अशोक के बारे में अगर बात किया जाए तो 261 में कलिंग का युद्ध, अगर 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था तो आप 10 माइनस कर दीजिए, उसमें 251 ईसा पूर्व आ जाता है, तब अशोक ने यहां पर असेंबली कराई थी। यहां पर उसने अपने 2 पुत्रों को संघमित्रा और कुणाल को भेजा था, संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बस उनका पुत्र को भेजा था, पुत्र पुत्री को, 2 पुत्र आ जाएगा पाटलिपुत्र और मोगली पुत्र जल्दी याद हो जाएगा। और प्रथम शताब्दी आ जाएगा जो कुंडलमन में हुआ था, कनिष्क को याद कर लीजिए, क से कनिष्क, क से कुंडलमन, क से कश्मीर, यहां पर वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष, आसानी से आपको याद होगा ये सब जो सम्मेलन हुए थे।
प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय जो सबसे प्राचीन है, इसका माना जाता है कुमारगुप्त बिहार में, कुमारगुप्त ने इसका निर्माण किया था। इसके बाद आएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार में है, गोपाल नामक पाल वंश के शासक है, गोपाल ने इसका निर्माण करवाया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में धर्मपाल ने इसका निर्माण किया था। दो चीज याद करेंगे, देखो उदंतपुरी आएगा तो बाल गोपाल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका दांत पूरा गोल होता है। अब ऐसे करके याद करो तो उदंतपुरी पूरा दांत गोल, ये गोपाल आ जाएगा। और जहां तक विक्रमशिला की बात किया जाए तो अधिकांश हिंदू लोग शिला माने पत्थर की पूजा करते हैं, और पत्थर की पूजा करते हैं तो धर्म आ जाएगा। पूजा किसमें होता है? शिला धर्म के मानने वाले, तो धर्म आ जाएगा, तो धर्मपाल आ जाएगा। इस प्रकार आसानी से आप इन सबको याद कर सकते हो। थोड़ा सा और देख लेते हैं, हम लोग प्रमुख बौद्ध विद्वान के बारे में बात कर लेते हैं। तो अश्वघोष की बात करते, बुद्ध चरित्रम की रचना इन्होंने की थी। और नागार्जुन की बात किया, जैसे शून्य का आविष्कारक माना जाता, शून्य के नाम से भी जाना जाता, शून्यवाद के नाम से जाना जाता, शून्य का आविष्कारक इन्हीं को जाता है। और बुद्ध घोष की बात की, पुस्तक विशुद्धि मार्ग का इन्होंने रचना की थी। आगे चलते चलते एक नजर फिर हम लोग बौद्ध धर्म में छोटा इंपॉर्टेंट चीजों पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बौद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध को याद रखने, बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध धर्म अनिश्वरवादी, जिसको बताया जा चुका है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं लेकिन आत्मा और परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। बौद्ध धर्म पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग उपनिषद में हमको मिलता है। प्रतिप समुपबाधी बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनके समस्त भिक्षुओं का आधार स्तंभ है। कौन सा? प्रतिप समुपबाध है। भिक्षुओं का निवास बिहार तथा पूजा स्थल चैत्य कहलाता है। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे। भारत का प्राचीन बिहार नालंदा है, इसको भी देखना है। बुद्ध के अधिकांश मूर्तियां गंधार शैली में बनी हैं, जो यूनानी शैली थी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ बोला तवांग कहां पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में है। अस्वस्थ शारीरिक विकलांग ऋणी और सैनिक और दासों को संघ में प्रवेश वर्जित था। और बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिणाम का तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये चीज इंपॉर्टेंट है जिसको आपको एक नजर देख के चलना है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।